पीछे नहीं हटते हैं ना लाइक। अरे हिजरत की औलादों को तुम्हारे भुजाओं में दम है तो आकर के मुकाबला करो। क्या हुआ महाराज? आप लोग राजाओं की संतानें हुआ करती थी, माताएं बहन बेटियां महारानियां हुआ करती थी, लेकिन हम लोग भिखारी कैसे हो गए? जब हम लोग राजाएं की संतान थी, राजा महाराजाओं की संतानें थी, तो फिर भिखारी कैसे हो गए? गौर करेंगे इस बात पर कि हर कोई जो हिरणा का सपने और बल में बिलग्राम बसाया छला है। आइए गौर करते हैं महाराज बलि की पावन कथा। ब्रह्मा के पुत्र हुए काश्यप, काश्यप के पुत्र हुए हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र हुए महाराज बाहरोचन, और बाहरोचन के पुत्र हुए थे महाराज बलि, जिन्होंने जिनको छल बल करके किस तरह से आर्यों ने उनकी धन उनकी संपत्ति को हड़प किया, और तब से समाज संपत्तिहीन हो गया। भाइयों, महाराज बलि जिन्होंने बिलग्राम क्षेत्र हरदोई को बसाया, कन्नौज से मिलता जुलता, ये मूल निवासी राजा हमारे आपके हुआ करते थे। बहुत अच्छे राजा थे महाराज बलि। कैसा शासन था? आर्य राजपाट में नर के सुनियो अर जहमारी, बहुत बढ़िया शासन चला करता था महाराज बलि का। बहुत बढ़िया शासन चल रहा। कहो सेनापति, हमारा प्रजा का क्या समाचार है? अच्छा, प्रजा का समाचार जानना चाहते हो? हाँ सुनो महाराज। सुनाओ। अरे खुशहाल रहे प्रजा सारी, अरे कर रही है।
अच्छे से रह रही है और किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, ऐसा ही होना चाहिए राजमात्री। हाँ महाराज। अरे सेनापति। हाँ। बैठो, मैं तुम्हें विशेष काम के लिए बुलाया है। क्या? हाँ। अच्छा महाराज, बलि जिस समय शासन पर बैठे तो इनका शासन बहुत दूर तक चलता था, आप लोग गौर करिएगा। इन्हीं के बाद में हमारा समाज जो है भुइहार हो गया, उसके पास से धन चला गया, शिक्षा चली गई, हथियार चला गया। भाइयों, बहुत बढ़िया शासन चला करता था सेनापति। हाँ महाराज। आज अपना राज्य जो है बहुत कम है। हाँ। लेकिन हाँ महाराज, जहां पर इंद्र बैठा है हाँ वहां तक अपना शासन लगता था। अच्छा। हाँ, जो इंद्रावतीपुरी के नाम से उसने नया शहर बसाया है हाँ इसी का नाम था अमरावतीपुरी, जो हमारे पिता बहरोचन की गद्दी है वो। अच्छा महाराज। हाँ, हाँ। लेकिन ये उसके पास कैसे गई? उसके पास ऐसे चली गई। हाँ। इंद्र ने, विष्णु ने छल बल करके हमारे पिता को मरवा दिया और हमारी राजपाट हड़प कर लिया। अच्छा महाराज। हाँ। लेकिन महाराज, मेरा बड़ा बचपना था। हाँ। आज से लगभग 10 साल पहले। हाँ। हाँ। लेकिन महाराज। हाँ। अब वो राज लेना चाहिए। वही तो विचार कर रहा हूँ। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि अब हम लोग सक्षम हैं। हाँ। और इतिहास किसी का बना नहीं है। हाँ महाराज। इतिहास में वही अमर है जिसने कोई संघर्ष किया है। हाँ चलिए। अधिकार कहीं मांगने से नहीं मिलता सेनापति। नहीं महाराज। अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता, संघर्ष करना पड़ता है। सही है। तो हाँ, हम सोच रहे हैं कि ना हो तो बढ़िया सेना सजा करें, अब लोग अब हम लोग तैयार हैं, और ना हो तो वहां पर उस इंद्रावतीपुरी पे धावा बोला जाए। सही, आप अपने पास सेना बहुत है। हाँ चलो, जब कहो तब धावा बोल दे। लोगों, इधर बात हो रही थी कि उसी बीच में नारद का आगमन हुआ। नारद का आगमन हुआ कि श्रीमन नारायण नारायण हरि बाबा नहीं। हाँ। ये ऋषि नारद जी होंगे, उनको सम्मान पूर्वक दरबार में लेके आइए। ऋषिवर ऋषिवर आओ बैठो। वो ऋषि नारद जी के चरण में बलि का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए ऋषिवर, ऋषि महाराज बलि के दरबार में कैसे आगमन हुआ है? ऋषिवर कहाँ से आ रहे हो? ऋषिवर कहाँ से आना हो रहा? कहाँ से आना हो रहा है महाराज? कहिए तुम कहाँ रहा हो, हम कहाँ थे? कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, आपकी बात हमारे जहाँ पिताजी कहाँ रहा है? हाँ, पहले हाँ कहाँ से आवत है?
जहाँ हर से तुम्हारे पिताजी का शासन चलता था मरावतीपुरी में, हाँ हाँ मैं वहीं से चला रहा हूँ। लेकिन ऋषिवर वहाँ हमारे पिताजी का कहाँ शासन बचा, वहाँ तो इंद्र अपना शासन जमाया हुआ है। ऋषिवर वही तो वहाँ की रवैया बड़ी अब खराब है। अरे ऋषिवर क्या रवैया खराब है? बहुत खराब है, हुआ अपना ही कुछ नीक लागत है उनका तनको। अच्छा ऋषिवर, हाँ लेकिन मैं आपसे कुछ उपाय पूछना चाहता हूँ। क्या उपाय? अरे ऋषिवर, हाँ मैं जहाँ से आप आ रहे हैं वही की आपसे बात करने के लिए। ओ महाराज, हाँ उपाय कब तक है? भरवा कहें जब चले नहीं पे हैं। अरे तुमको देखना है देखो, मानो गौरव में मिलेगा बात। इनको श्राप लगा है, दुई घरे ज्यादा कहूँ रह नहीं पावा। अच्छा महाराज, ये कहूँ खड़े ना है बहुत ज्यादा, बहुत चुगला है नंबर या की है ना। अच्छा हाँ, दक्ष के राजा 10,000 उनके लड़का ये बाबा बनाए दे तुरंत काने भोंगे कर। अच्छा उन्होंने गुस्से में इनको श्राप दे दिया कि तुम्हारी टांगा या के रही भाई नहीं करे, आपस हम लड़ाई करी है यार सब। अच्छा महाराज, अरे ऋषिवर, अरे हाँ आपसे कोई उपाय पूछना चाहता हूँ, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। कहो कहो। अरे ऋषिवर मैं आपसे एक विचार करना चाहता हूँ कि जो जहाँ पे इंद्र इस समय शासन कर रहा है इंद्रावतीपुरी में, कभी हमारे पिता बहरोचन की हुई थी और ना उस पे पुनः फिर से अधिकार जमाना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, आपकी संपत्ति है। हाँ बहुत अच्छा रहेगा। अरे ऋषिवर हाँ मैं यही तो सोच रहा था और विचार कर रहा था तब तक आपका आगमन हो गया, इसीलिए आपसे पूछा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा राजा साहब हम चलेंगे। अरे ऋषिवर दोनों रुकिए, जरा समय ज्यादा नहीं है, हमें किसी आवश्यक काम से जाना है। ऋषिवर कहाँ जाएंगे? बैठेंगे नहीं हम ज्यादा देर। ऋषिवर कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे? हमें दूर जाना है, किसी काम से जाना है। ठीक है ऋषिवर, प्रणाम। प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। अरे लेडीज नाने जो सदा बेसुरा। भाइयों नारद जी ने जब अतनी बात सुनी ने तो पक्का चुगलहा आदमी है था। महाराज चुगलहा की बात बताते हो क्यों? महाराज हाँ तुमको नहीं पता है क्या? अभी जा करके पूरी पृथ्वी पर घूम घूम करके सब कहूँ बता देगा। अरे सेनापति हाँ एक दिन तो लोगों को तो पता ही चलना था। हाँ क्योंकि मैं उस पे जब धावा बोलूंगा तो हर एक लोगों को सूचित हो जाएगा कि महाराज ही धावा बोलने वाला है। सही वही देखा जाएगा जो होगा। ठीक है चलो देखेंगे, जैसा को थोड़े तैयार कराओ, चले फौज तैयार कराओ। हम लोग मोन निवासी है, आदिवासी है, भारतवासी है, सौमासी है, चमारवासी है, हम लोग पीछे नहीं हटते वाले। ठीक है चलो। महाराज बलि ने संगठन में बैठक किया और जिसे इंद्रावतीपुरी यहाँ पर पहले महाराज बहरोचन का शासन चला करता था उसे अमरावतीपुरी के नाम से जाना जाता था। भाई महाराज बलि ने कहा कि अब हम लोग सक्षम है तो ना हो तो उस अमरावतीपुरी को पुनः अमरावतीपुरी में तब्दील करेंगे। इधर इंद्र बैठा है अपने इंद्रासन पर इंद्रावतीपुरी में और आपस में क्या बात होती है आप लोग गौर करिएगा। देवताओं के राजा इंद्र बोलिए भगवान बुद्ध की कि फिर धीरे धीरे समय गया और मौसम ने करवट बदली।
कुर्सी पर गौर करिएगा। देवराज इंद्र बैठा हो, इन्हें देवताओं का राजा अपने सेनापति को बुला करके आपस में बात हो रही, गौर करिएगा। महामंत्री मंत्री इन्हें देवताओं का राजा कहा जाता है, गौर करेंगे भाई लोग। इन्हें देवताओं का राजा प्रसन्न रहो। कहिए महाराज किसी ने तुमको नालायक पहले आना चाहिए, तुम हमसे बात करते हो। नहीं महाराज, आपकी कुर्सी लगा गए थे। अच्छा हाँ, उधर बैठो तुम भी कुर्सी पर। हाँ बैठो। अगर तो नहीं अब देखो, इंद्र थोड़े इंद्र के चरित्र आप लोग सुनाओ। इंद्र बैठा था इस इंद्रासन पर, जिसे इंद्रावती पुरी के नाम से उसने बना रखा था। यही महाराज बहरोचन की गद्दी हती, इसे छल बल करके छीना था। इतिहास में इसे अमरावती पुरी के नाम से जाना जाता था। बहुने आज मौसम बड़ा सुहाना है, कहो कैसा चल रहा है सब हाल? मौसम सुहाना बरसे वाला है, सब ठीक ठाक तो है। हाँ महाराज, खूब चकी चका है। यानी खरीद पीत खूब चका चका है। आज सोना सोना लग रहा है। सोना सोना का कोई कमाल नहीं है। यहाँ पर मेरा 100 बरस का घड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये भैया 100 बरस लाए आधे पी जाते लाए क्यों? कैसे ले कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो। खाने पीने भैसा खाई आ खाई हो मुर्गा ले। कुछ व्यवस्था करो, आप कैसे सवाल मारते रहे सर? कुछ व्यवस्था करो, जाओ दारू ले। देखो देवराज इंद्र जो था वो काम बैठता था रस का पान करता था। सोम रस का मतलब होता है मदिरा। सोम रस का घड़ा सामने रखा होता था, सुंदर सुंदर अप्सराओं को बुला करके खूब नृत्यगान करता था। ये इंद्र के करतूत रहते हैं। अब एक बात और बताए, ये जितना समाज बिगाड़ा आए, ये सब आए भगवती भगवान क्या कैसे? वैसे मैं किसी का अपमान नहीं करता लोगों, लेकिन किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है कि भारत कैसे कर लगी है बेड़ा पार, बिगाड़ो दुनिया देवता ने भारत कैसे कर लगी है बेड़ा पार, बिगाड़ो दुनिया देवतन ने बिगाड़ दिया। भैया जरा गौर करो, अरे गांजा पीना शंकर जी ने सबका किया सिखाई। अगर भगवान भूत भाव भोलेनाथ बाबा गांजा धतोरा भांग अफीम चरस न खाते पीते होती, तो शायद उनके उपासक लोग, उनके प्रेमी लोग गांजा भांग नहीं पीते खाते। पीते खाते बिल्कुल नहीं पीते खाते। अरे गांजा पीना भोले बाबा सबको किया सिखाई।
तुम भी पियो इधर बैठा ये देवराज इंद्र के काले कारनामे है लोगों जिनको ये समाज भगवान मान बैठा है। देवराज इंद्र के काले कारनामे है। क्या बात है आ? क्या बात है अरे हिंसा करना रामचंद्र ने सबको दिया सिखाई क्या बात है भैया बोलने क्या बात अंदर नहीं घुस रही का ना कबाल लेकर धकिया अंदर भो भाग का दिमाग है ये देवराज इंद्र इस तरह के काले करतूत कर रहा मालूम का जब फोकट के रकम मिलते हैं तो उड़ावत थोड़ा बढ़िया लागे ये जो गद्दी थी ये इनकी नहीं थी ये इनको फ्री फंटम मिल गए झूठ साच बोले ये गद्दी था महाराज बलि के पिता बहरोचन का विष्णु ने इंद्र ने छल बल करके उसे छीन लिया और उसे छीन लिया और इसको राजा बना करके बैठा दिया भाइयों क्या बात बवने 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 जाओ जाओ वो रंभा जैसी विश्व सुंदरी है नृत्यगान करने वाली उसको सामने लेकर के आओ नाचे वाली नहीं खाए वाली ना लाए करके चम्मक 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 उनको मेरे दरबार में बुलाओ आज मनोरंजन होगा फुल मनोरंजन होगा जाओ हाँ 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 पीलो पीलो देखो बवने बवना ये इंद्र के ससुरार में या कहूँ ननिहारम खेत पास जब मिल जाते हैं तो बढ़िया उड़ावत नीक खूब लागत है नहीं नीक लागत फ्री फंड के रकम है का पूछ भाइयो जाओ कि मिलती है जिंदगी में इस संगति कभी कभी आए का मतलब ज्यादा हो गई Yeah.
सदा सुखी रहो, प्रसन्न रहो सुंदरी सदा सुखी रहो, सदा सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती बनी रहो, खूब पढ़ी लिखी रहो। मदिरा में सोमरस में मस्त है और खूब अप्सराओं को बुला करके मनोरंजन कर रहा है। ये देवराज इंद्र की काला करतूत कारनामे है जिन्हें ये भोला भाला समाज सदियों से भगवान मानता चलाया, लेकिन कभी तुमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा। लोगों बहुने बहुने सुंदरी से कहो कोई इतना अच्छा गीत सुनाए जिससे कि मेरा शरीर एकदम गदगद हो जाए। ए सुंदरी, ऐसा गीत गाना सुनाओ कि हमारे दिल में टक्कर चले जाए। तो सुंदरी ने गीत सुनाया कि कनन 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 कैया, क्या बात है, कनन 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 कैया आओ
सुना सुंदरी में मस्त है, क्या कहना क्या कहना लोगो। अरे दूसरी नारद जी से नहीं रहा गवा। नारद ने विचार किया इंद्र के कुर्सी खतरे में है, हरदोई का राजा बलि उस पर चढ़ाई करने वाला है, तो ना हो तो चलो हम ये सूचना इंद्र को बता दे, हो सके तो अपना कोई उपाय कर ले। भाइयों नारद जी वहां से भागे, नारद जी वहां से भागे और कहाँ पहुंच रहे हैं? अरे पहुंचे, देखा वहां जहां पर बहुत अच्छा मौसम था वहां तो सब तपो वहां सोमरस का घड़ा रखा है, इधर उधर इतनी मक्खियां लग रही, वो तपो भूमि देखा यहाँ के रवैये बेकार होते, वो तपो भूमि भाई भूमि छाए रही
पेश किया देवराज इंद्र। ओम देवराज इंद्र मंत्री कौन है रे? देखो कोई बाहर आवाज दे रहा है। हाँ अब आदमी जब सौ ग्राम के अंदर हो तो फिर आदमी आदमी की पहचान नहीं पावत। कहाँ है देव सारे राजा कहाँ है? कहाँ है इंद्र कहाँ है महाराज? बोलो बाहर नरदहा बाबा है। आए नरदहा नहीं नरदहा ये सब हटा हटा यहाँ से हटा यहाँ से हटा यहाँ से हटा ना लाइट कहीं का इसको हटाओ नारद जी देख लेंगे इसको हटाओ यहाँ से इनसे कहो सुंदरी भाग जाओ यहाँ से भाग जाओ नारद जी देख लेंगे जाओ भाग जाओ भाग जाओ ना लाइट। अब नारद ने देखा इंद्र की रवैया बड़ी खराब है। इंद्र दो रहा वही दूर से बहुत झार आ रही तुम्हारे मुख से हो इंद्र ये तुम्हारे काले कारनामे एक दिन तुमको भीख मंगा देंगे देख लेना। वो करीब वो ज्यादा समय दूर नहीं बताओ जब तुम्हारी कुर्सी चंद्र समय में छीनने वाली है। कुर्सी छीनने वाली? कुर्सी छीनने? कौन कुर्सी छीनने बताओ? कुर्सी हमारे पास छीन ली एक दिन ऐसा देवराज इंद्र तुम एक एक रोटी को मोहताज हो जाओगे। हरदोई का बली राजा महाराज बारोचन का पुत्र उसने पूरी तैयारी कर दिया है तुम्हारे ऊपर धावा बोलने वाला है और तुम इसी तरह से सुरा सुंदरी में मस्त रहो एक दिन तुम भीख मांगोगे। मैं तो जा रहा हूँ मैं तो चला जो मर्जी है वो करो मैं तुम्हारा शुभचिंतक था इसलिए मैंने सोचा तुमको सूचना कर दे। नारायण इंद्र इंद्र के गाड़ी खतरे में है हमको तो यू लागत है बहुने हमको लगता है नारद को हमारा सुख अच्छा नहीं लगा। आज का खाद पेट भी का देख लिया थी जलन पैदा नहीं किया चला देखा जाए। शराब आदमी के अंदर हो तो का गम नहीं रहा तन क्यों जब आदमी के अंदर 100 ग्राम होते है तो फिर आदमी की तो बात खत्म करो भगवानों को नहीं डराते है प्रकृति को नहीं आदमी डराते लोगों इधर सुरा सुंदरी में मस्त है उधर महाराज बलि की फौज ने चढ़ाई कर दिया। महाराज बलि की जय हो महाराज बलि की जय हो आओ वीरो चलो सब में चलो आओ वीरो आओ बोले महाराज बलि की किसे ना लीन ही साथ कि बढ़े अगान जाए जब दी बैठे रहो आप लोग बैठे रहो और इंद्रावती पुरी में भैया खबर पहुंचा जब I don't know.
राजबलि की फौज बहुत ज्यादा थी। चलो और चारों तरफ से उस इंद्रावती पुरी को घेर लिया। सेनापति वीरों को चारों तरफ से लगा दो, जैसे चारों तरफ से लगा दो और किधर से भी इंद्र भगने ना पाए, चारों तरफ से लगा दो। इधर दो लोग तीन लोग हो जाओ और घेर लो नालायकों को। अब ललकारो और देवराज इंद्र को ललकारो, हरदोई का राजा तुमसे युद्ध करने के लिए आया है, बाहर निकल कर के आओ। देवराज इंद्र अगर मेरी आवाज पा रहे हो तो अपने महलों से बाहर निकलो, देखो तुमसे लड़ने के लिए हरदोई के राजा महाराज बलि आए हैं। महाराज कोई बाहर आवाज लगा रहा है? बाहर आवाज तुम नहीं जानते हो, मोची जूता लेकर आवाज। अरे नालायक जूता नहीं लेकर के आए हैं, जूता चलाने आया है, बाहर निकलो देखो तुम्हारी मौत आई है। बहू ने हाँ महाराज, अरे कहा थे मौत आई है। हाँ मौत तो ही करी है, जूता लेकर पहला ही चकाचक भाई हो, और जानते हो धोबी आए कपड़ा लेकर आया है। अरे नालायक धोबी नहीं तेरा जीजा आया है हरदोई से। अरे सूर के लाद बाहर निकल, साला कौन है बात है जीजा हुआ है। अरे देवराज इंद्र बाहर निकल, देख हरदोई से चलकर महाराज बलि तुमसे ये युद्ध करने के लिए आया है। बाहर निकल, बाहर निकल के देव को आया, सब चारों तरफ आवाज बाजन के आ रही है। जाओ बाहर निकल के देखो मुझको लग रहा है जल गया हूँ, मैं एक बार आवाज दे रहा हूँ, जली को करते हैं बिजू को ना करते हैं, जली को करते हैं बिजू को ना करते हैं, जो खा भरी के घर पर उसे महाराज बलि राज करते हैं, महाराज बलि राज करते हैं। खींच लो पतियों को ललकारा हो, चारों तरफ से इसका सिंहासन घेर लो और बहादुर सेनापतियों जाओ और इसको सिंहासन से जबरदस्ती खींच लो। जय श्री अंगिया, चलो जाओ सेनापति। बोले आयो तो जा पतिंद्र के पास, तुम बेनाम का है। ए बोले इनका तो नाम धरी धरी बैठी आप सब चले। बोले तुम लड़ो तले हम गई थे निपटी आए, पहले हम झाड़ा से लाग हम झाड़े से लिए को कही के दरगाह ना लाइक कर। सेनापति ऐसे नहीं निकलेंगे, जाओ उसके सिर का सर तक खींच कर लाओ। अब बहादुरों ने कि अरे जब सिंह हत्या I'm gonna make it.
छोड़ करके भाग गए पीठ दिखा करके। हाँ बहादुरों को शांत कर दो अपने, बैठ जाओ बहादुरों, बैठ जाओ बैठ जाओ लोगों। बहादुर सेनापति महाराज एक बार पुनः फिर से ललकारो, अगर मेरी आवाज पा रहा है बाहर निकल कर महाराज बलि से युद्ध करे। जैसी आज्ञा। अरे देवराज इंद्र, अगर तुम्हारे पालतू कुत्तों में हिम्मत है जा करके बाहर निकले और आकर के महाराज बलि से मुकालबा करो, क्योंकि हम मूल निवासी से पीछे नहीं हटते हैं ना लायक। अरे हिजरों की औलादों को तुम्हारे भुजाओं में दम है तो आकर के मुकालबा करो। बहादुर उस युद्ध में महाराज बलि का एक सेनापति मारा गया। महाराज बहुत सेनापति नालायक डर करके भाग गया। बैठना चलिए। क्या हुआ महाराज? हाँ मैं का अंत कर दिया क्या? मैं मारा गया? हाँ महाराज। अरे सेनापति अपने बहादुरों से कहो राज की सम्मान से मैं का अंतिम संस्कार करवाए और एक बार पुनः फिर से ललकारो, अगर महाराज बलि से युद्ध करना चाहता है राजा इंद्र तो अगर भुजा में ताकत है तो महाराज बलि से युद्ध करना। पीलो उठो और मैं गोठा करके जल का दाह संस्कार करो। लोगों बहुत से लोग बेमौत हैं, बहुत से लोग बेमौत मारे ले जाओ। भाइयों देवराज इंद्र डर के मारे मैदान छोड़ करके भाग गया। सेनापति हमारे हमको लग रहा है भाग गया है। हाँ और अपनी विजय का अच्छा ध्वजा फहरा दिया जाए। जोशी आवाज लगाओ, एक बार फिर ललकारो। हाँ अगर कहीं पर डर के मारे छुपा हो तो बाहर निकले, नहीं तो अपने विजय का झंडा गाड़ दो। अरे देवराज इंद्र अगर वार करना है तो आगे से करो, पीछे से क्यों करते हो? अगर भुजाओं में दम है तो आकर के मैदान में लड़ो। अरे इन नालियों में क्या रखा है, आकर के अगर तुम्हारे भुजाओं में दम है तो हम लोगों से लड़ो। लोगों महाराज लगता है भग गया डर के मारे, तो अपनी विजय सेनापति हमारे अपना विजय का पताका यहाँ फहरा दो। जोशी अज्ञा बोले महाराज बलि की, बोले महाराज बलि की, बोले महाराज बलि की।
और उस इंद्रावती पुरी में महाराज बलि ने पुनः अपना विजय का झंडा गाड़ दिया, पुनः उसे अपने कब्जे में कर लिया है लोगों। सेनापति हाँ महाराज देखो जब यहाँ इंद्र बैठता था हाँ, तो वो भी करता था हाँ, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि अपनी पुनः फिर से राज्य मिली है तो क्यों ना मैं भी यज्ञ का भंडारा यज्ञ करना चाहूँ, कुछ ना कुछ धर्म कर्म कर लिया जाए। अरे महाराज क्या तुमको क्या हो गया है क्या? अरे महाराज हाँ वो यज्ञ करता था, जानते हो कौन सी यज्ञ करता था? कौन सी? वो पशुओं की जान देता था, दारू पीता था। नहीं, मेरा यज्ञ ऐसा नहीं होगा। हमारा यज्ञ भोजन का यज्ञ होगा, सिर्फ भोजन दान कराया जाएगा लोगों को। अच्छा, जो बहुत गरीब है हाँ, उसको दान भी दे देंगे। अच्छा तो बात सही रहेगी, हमको लगा कि उसी तरह। तो भाइयों जहां तक शासन चलता था, बारी बारी से हर पूर्णमासी को महाराज बलि अपने शासन में एक भोजन दान का यज्ञ कराया करते थे। चलो सेनापति गौर करेंगे, चलो तैयारियां करो, पूर्णमासी के दिन चलो हम भंडारा करेंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब जी। लोगों हुआ क्या? अब महाराज देखो इंद्र जो था वो बहुत घबराया और इंद्र वहां से भगा है मदद के लिए। इंद्र वहां से भगा मदद के लिए, इंद्र वहां से भगा डर के मारे विष्णु जी के पास में कि मेरी थोड़ी सी मदद हो जाए। विष्णु जी बैठे हैं क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी उनके पैर धीरे धीरे दबाए रहे हैं। इंद्र भगा कि इंद्र भयो है लाल, छोड़ मैदान भगे जब भाई। और विष्णु के दरबार में सोई पहुंच एकदम इंद्र भगा है विष्णु के पास में पहुंचा है, मेरी रक्षा करो भगवान, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। अरे इंद्र मेरा तो सिंहासन छिन गया। कैसे इंद्र? हाँ भगवान। कैसे आपका इंद्रासन छिन गया है बेटा बताओ? भगवान बोलो, वो जो राजा बलि है हाँ? वो मुझे मार पीट कर मेरा राज्य छीन लिया है। तो हमारी छह सेना कम थी, उनकी सेना हमने सुना है तुम सुरा सुंदरी में मस्त थे। हाँ भगवान। तो थोड़ी और पियाओ,
तुम हो जाओ वहां लड़े आ जा। भगवान रक्षा करो मेरी, कोई उपाय निकालो। रक्षा क्या करें, तुमने अपनी कदर ही नहीं जानी। मैं उस लड़ाई में गया था, मैंने जब देखा राजा बलि की फौज इतनी ज्यादा है। देखो ये मूल निवासी हैं, भारतवासी हैं, आदिवासी हैं, सौमासी हैं, और हम लोग उनके सामने लड़ झगड़ करके नहीं टिक सकते। सही कह रहे भगवान, कोई उपाय तो। मैं तो वहां से भाग आया, हमने सोचा तुम तो मरे हैं जी, और सबसे पहले नंबर हो हमारे प्ला की। मैं तो वहां से डर के मारे भाग आया। देखो हम भाई इसमें क्या मदद कर सकते। इंद्र कि मुझसे जितना संभव होगा मैं पूरा करी दिखलाऊंगा।